कहते हैं कि मंजिलों से प्यार करने वाले राही रास्तों की परवाह नहीं करते, और जहां रास्तों की बात आती है वहां रफ्तार जरूर मायने रखती है, और जहां रफ्तार हो वहां ड्राइवर को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। ड्राइविंग इज नॉट एन इजी टास्क, गाड़ी चलाना एक कौशल्यपूर्ण काम होता है। भीड़ भरे रास्तों से बड़ी सी गाड़ी निकालना ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन दिलेर तो दिलेर होते हैं, उनको किसका डर। एक वाहन कैसे चलाते हैं ये जानना और ड्राइविंग करना ये अलग बात होती है। फिर भी कुछ ड्राइवर्स के गजब के कौशल देख कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं कि ये भी हम और आप जैसे ही आम है। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट के नज़ारे देख शायद आपका दिल शरीर के बाहर न निकल जाए। लेट्स बिगिन। शुक्र है कि हम भारत में रहते हैं, यहाँ वैसे भी ड्राइविंग टेस्ट थोड़ी सी आसान होती है, लेकिन बड़े बड़े देशों में ड्राइविंग के मामले में काफी ज्यादा सख्ती बरती जाती है, क्योंकि ज्यादातर देशों में ठंड का मौसम होता है और वहाँ बर्फ गिरती है। इस बर्फ के फिसलन भरे रास्तों पे गाड़ी चलाना वैसे भी आसान नहीं होता, इसीलिए जो ट्रक ड्राइविंग के लिए टेस्ट ली जाती है वो कुछ इस तरह से काफी मुश्किल होता है। ड्राइवर्स के सामने काफी सारी रुकावटें पैदा की जाती हैं। एक भी रुकावट अगर ये ड्राइवर पार न कर पाया तो उसे लाइसेंस नहीं दिया जाता। लेकिन दोस्त, ये जो ड्राइवर्स आप देख रहे हो लगता है कि किसी अलग ही दुनिया से आए हैं। जिस आसानी और सटीकता से ये ड्राइवर्स मुश्किलों को पार कर रहे हैं वो देखते ही बनता है। अब जरा गौर फरमाते हैं रेस में गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स के ऊपर। कमाल की गति, लाजवाब कंट्रोल और प्रतिस्पर्धी को पछाड़ते हुए लोग, यही खासियत होती है रेस में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स की। इनकी काबिलियत का पूरी तरह से अनुभव करने के लिए आपको समय निकाल के रेस कोर्स ही जाना होगा। रेस में चल रही अलग अलग चीजों को हम पसंद करते हैं। किसी को ड्रिफ्टिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है, किसी भी टर्न के पास गाड़ी के चक्कों को घिसते हुए चले जाना, इसे ही ड्रिफ्टिंग कहते हैं। बाकी रेस में गाड़ियां जमीन पर कम और हवा में उड़ती दिखाई देंगी, इन ड्राइवर्स का कोई तोड़ ही नहीं। ट्रक में भरा सामान खाली करने के लिए लोगों का अपना अपना एक अलग तरीका जरूर होगा, लेकिन लेजेंड्स ट्रक कैसे खाली करते हैं वो देखना है आपको। ये देखिए, इस भाई साहब ने गाड़ी बंद भी नहीं की और सीधे जोरों से पीछे की ओर तेजी से गाड़ी ले आया, जिस वजह से ये भारी सामान अपने आप गाड़ी से बाहर आ गया। अब जरा इन लोगों पर गौर फरमाइए, टू व्हीलर्स पर ये लोग सैकड़ों किलो की लकड़ियां इस तरह ले जा रहे हैं जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस स्पर्धा में अक्सर लोगों के कौशल को निहारने का मौका मिलता है। दो मंजिला इमारत इतनी ऊंचाई पर 45 डिग्री के एंगल पर किसी ट्रक को चलाना भाई कोई बच्चे का खेल नहीं होता, लेकिन इस ड्राइवर के लिए ये सच में दाएं हाथ का खेल है। अगर किसी की ड्राइविंग स्किल्स को परखना है तो हमें ये ध्यान देना है कि वो व्यक्ति गाड़ी पार कैसे कर रहा है। आज के ड्राइवर्स इतने स्किलफुल होते हैं कि इनके कौशल के क्या कहने। 70 की स्पीड में चल रही गाड़ी को 4 सेकंड में 0 की गति पर लाकर दो कारों के बीच में पार कर देते हैं, ये नज़ारा तो देखते ही बनता है दोस्त। भाई ऐसा तो सिर्फ इंडिया में ही होता है। ये महाशय तो गन्ने से भरा ट्रैक्टर इस तरह से स्वैग में ले जा रहे हैं जैसे कि ये रोड इनके पूज्यनीय पिताजी की हो। आगे के दो पहिए ऊपर और दो पहिए नीचे, यही हाल इस ट्रक का भी हो चला है। अगर आप ट्रक के ऊपर दूसरा ट्रक रखोगे तो यही हाल होना है। ओवरलोडिंग के मामले में लोगों ने तो हद ही पार कर दी है। आपको हर जगह ये देखने को मिलता है कि लोग हद से ज्यादा सामान अपनी गाड़ी पे लाद देते हैं, जिस वजह से उनकी कुछ इस तरह से फजीहत हो जाती है। अगर आपके ट्रक पे कई सारा और बड़ा सामान रखा गया हो तो हमेशा ढलान और मोड़ पे बड़ी संभावना रहती है कि आपसे कोई चूक हो जाए और सारा सामान गिर जाए या गाड़ी ही फंस जाए। लेकिन गाड़ी चलाने का ऐसा तरीका शायद ही किसी को मालूम हो। लगता है इस ड्राइवर को गणित का अच्छा खासा ज्ञान है, तभी तो इतनी सटीकता से इसने इस मोड़ को पार कर लिया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।